टीचर्स का ना होना, लोगों का ताने कसना, फैमिली मेंबर्स जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं उन नरेगा बंद हो से तो बीजू की आसन की इनकी तो आसन थोड़े वास्ते है। देखिए नरेगा बंद हो रही है बहुत गम की बात है, लेकिन सुनिए सरकार ठीक है। वैसे तो काफी सारी बातें हो गई है और मेरे पूर्व वक्ताओं ने लगभग सारी बातें आप लोगों को बोल दी है, लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी। मेरे हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, महिला सशक्तिकरण की बात करो, देशान शक्ति आगे आने की बात करो, किसी भी चीज के लिए, तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आत्मविश्वास। अभी कहने को तो बहुत छोटा सा शब्द लगता है और बहुत नॉर्मल भी लगता है, बट ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको जब तक ये नहीं लगेगा कि आप खुद कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, हाँ मुझे आगे जाना चाहिए, हाँ मुझे एजुकेशन लेनी चाहिए, हाँ मुझे ये जॉब करनी है, हाँ मुझे इसके जैसा बनना है, जब तक आप खुद ये नहीं सोचेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगी। और एक्चुअल में होता क्या है, अरे मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी, अरे हाँ नहीं उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन अरे नहीं मैम का, आप सब लोग देखते हैं, सबको बहुत खुशी भी होती है देख के, बट एक हिचक है, एक झिझक है, वो बच्चे ये सोचेंगे अरे नहीं नहीं हम तो एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते, अरे हम कैसे करेंगे। तो इस चीज से आप लोगों को ऊपर उठना है, इस चीज से लड़ना है और इसी चीज पे विजय प्राप्त करनी है। आप एक बात बताओ, कोई भी क्लास होती है, लगभग 40-50 बच्चे होते हैं, एग्जाम होता है, क्या सभी की फर्स्ट रैंक आती है? नहीं आती। सभी की फर्स्ट टू 15th अलग अलग रैंक आती है। अगर सभी की फर्स्ट आती तो भगवान ने सभी को एक जैसा बना दिया होता, लेकिन नहीं बनाया है, सबको अलग अलग बनाया है। तो आप लोगों को भी, आपको किस चीज के लिए बनाया गया है, आपके अंदर क्या पावर है, क्या आपके प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, वो चीज देख के और उसके ऊपर आगे आना चाहिए, खुद को पहचानना चाहिए। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग जानते हैं। आप लोगों को कभी कोई, जैसे भी काफी सारी उन्होंने बताया कि स्कूल में हम नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ लेडी टीचर नहीं है, कोई प्रॉब्लम होती है डॉक्टर भी लेडी डॉक्टर चाहिए, आपको कोई इश्यू है आपको थाने जाना है तो कोई पुलिस कांस्टेबल या कोई लेडी कांस्टेबल आपको चाहिए, लेडी ऑफिसर चाहिए। सेम प्रशासन में भी आप जाना चाहते हो तो आपका मन करता है कि अरे नहीं वहाँ पे भी कोई लेडी ऑफिसर होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पढ़ने की बात आती है वहाँ आप सब एजुकेशन में लड़कियों की एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हो, जबकि हर क्षेत्र में एजुकेशन में आपको लड़कियां चाहिए। तो ये चीज खुद से चेंज करनी होगी। स्पेशली मैं बुजुर्ग महिलाओं से कहना चाहूंगी, किसी भी घर में लड़की का जन्म होता है तो आज भी कहीं ना कहीं उसकी खुशी, जो मैंने काफी लोगों में देखी है, बड़ी बाहरी तौर पे मानो आर्थिक तौर पे कम होती है। और जब लड़कियां दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, पांच हो जाए, छह हो जाए, तो घर वाले तो यूं लग जाएगा कि बस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। और जबकि आपके सामने एग्जाम्पल है कि कैसे एक ही परिवार की छह छह बच्चियां और जो हर अपने क्षेत्र में बहुत आगे हैं, तो आप उनकी मदर से आप सीखिए। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आपस में मिल जाएंगे। मैम को देख लीजिए, मैम मैम की सिस्टर, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये आपको देखना पड़ेगा कि हाँ कुछ भी पॉसिबल है। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मैं इतना नहीं जानती थी जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, कुचामन से मैं हूँ, हालांकि वहाँ एजुकेशन अच्छी है, 12th तक कर ली, तब तक ये मेरा व्यू नहीं था कि मुझे जॉब में करना है या मुझे पुलिस में आना है, इतना मैं जानती नहीं थी। उस टाइम पर मेरा व्यू था कि ठीक है 12th कर लेते हैं, शादी कर लेंगे, अगर ससुराल वाले चाहेंगे कि कोई जॉब करे तो हल्का फुल्का कुछ देख लेंगे, नहीं तो घर में चूल्हा चौका करना है, और यही सोचती।
लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं बाहर गई पढ़ने, और फिर मैंने ये जाना कि नहीं, मुझे केवल ऐसे नॉर्मल जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे कुछ तो करना है। और मेरे पेरेंट्स ने भी इस चीज को बहुत सपोर्ट किया और मैं इस पद पे आ पाई। ये हर कोई कर सकता है, बट जरूरत है कि आप उसको पहचाने। अगर आपके घर वाले आपके एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करते तो उनको मनाए आप। आप अपने आप में इतना स्ट्रांग बने, अपना रिजल्ट आप इतना अच्छा लेके आए तो वो भी मानेंगे। हमारे घर में भी दादी दादाजी वो लोग नहीं मानते थे, जैसे भी अभी काफी लोगों ने बताया महिलाओं को बाहर भेजना कोई प्रेफर ही नहीं करता है। लेकिन आप जब खुद उनको बताएंगे कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो कुछ भी पॉसिबल है। पुलिस फोर्स में होने के नाते मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ जिस काफी सारे क्राइम होते हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर इस बात की बात करें कि क्राइम क्यों होते हैं, सरकार की गवर्नमेंट की खूब सारी स्कीम्स हैं, काफी सारी योजनाएं हैं, पुलिस थाने से रिलेटेड भी बहुत सारी योजनाएं हैं, बट आप लोग उनको यूज नहीं कर पाते हो क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है। आजकल नेट पे हर कोई सब कुछ सर्च करता है, लेकिन ये नहीं सर्च करेगा कि हमारे लिए कौन से हेल्पलाइन है, हमारे लिए कौन से कानून बने हुए हैं, हम ऐसे सिचुएशन में फंस गए तो अब हम क्या कर सकते हैं। इन चीजों को आप जानें। जब तक आप इन चीजों को जानोगे, पहचानोगे, तो आप अपने आप ही अपने अंदर सशक्त हो जाओगे। अभी बताया किसी ने कि सशक्त यहाँ की बात है, दिमाग की बात है, एक सोच है। तो आप सब, मैं ये चाहती हूँ कि आज का ये प्रोग्राम है, ये अपने आप में सफल तभी है जब आप सभी चीज, सभी लोग यहाँ से कुछ न कुछ ग्रहण करके जाएं, अपने अंदर अलग जगाएं कि हाँ मुझे कुछ करना है। जरूरी नहीं है कि आप जॉब करें, आप बिजनेस करें। अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं तो आप अपने महत्व को पहचानो, लोग आपके बात को तवज्जो दें, आपका खुद का एक नाम हो, खुद की पहचान हो। मैं ये हर जगह कहती हूँ, हर एक पीढ़ी में कोई ना कोई एक जना ऐसा होता है जिसके पीछे उसकी 7 पीढ़ियां सबको जानते हैं, 7 पीढ़ियां केवल उसे एक इंसान के नाम से जानी जाती है। तो आप ये सोचो कि वो एक जना आप हो आपकी पीढ़ी में। अब आप ऐसा क्या करोगे कि केवल अपने परिवार में नहीं, अपने समाज में नहीं, आपकी 7 पुश्तें आपको जाने और आपको पहचाने। थैंक यू।